लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही महाराष्ट्र की सियासत में एक साल के भीतर दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों में टूट हो गई, जिसके बाद अन्य राज्यों से भी इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच अब सीएम नीतीश कुमार के जेडीयू में टूट पड़ने की भी बात कही जा रही है। चुनाव से पहले ही पार्टी के कई बड़े नेता जेडीयू का दामन छोड़ भी चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अपने रास्ते अलग कर लिए और साथ ही जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया। आरसीपी बीजेपी में शामिल हो गए तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी अलग ही पार्टी बना ली। वहीं अब फिर से जेडीयू और आरजेडी के बीच शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह और आईएएस अधिकारी केके पाठक के बीच के झगड़े को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। मंत्री और आईएएस के बीच चल रहे इस विवाद में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और सीएम नीतीश कुमार तक की एंट्री हो गई। दोनों ने इस विवाद को सुलझाने के लिए शिक्षा मंत्री और केके पाठक से बात भी की, लेकिन फिर भी इस झगड़े को लेकर महागठबंधन के बीच जो नेता है उनके बीच कोई बात नहीं बन पाई। महागठबंधन में चल रही खींचतान पर सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इस झगड़े को डॉग फाइट बता दिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉग फाइट। ये डॉग फाइट प्रारंभ हो गई है। अब देखिए लक्षण अच्छे नहीं है। न जनता दल यू के लोग तेजस्वी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और न राजद के लोग नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राजद के कार्यकर्ता और मंत्रियों की हालत दोयम दर्जे की नागरिक की हो गई है। कोई सेक्रेटरी उनकी बात नहीं सुन रहा है। चुन चुन कर जो कड़क और जो ठीक कर देने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को राजद के विभागों का मंत्री बनाया गया है। वह इस मामले पर वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि सरकार में ऐसा चलता रहता है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सरकार में चलता रहता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी कह रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है सर, सरकार में। बीजेपी खुद ठीक नहीं चल रहा है, केंद्र सरकार में देख लीजिए किस तरीके से बीजेपी। जेडीयू और आरजेडी के बीच चल रही इस जुबानी जंग पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इन लोगों का गठबंधन स्वार्थ पर आधारित है। लालू यादव ने बस तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए गठबंधन किया है। देखिए गठबंधन इन लोगों का पूरे तौर पे स्वार्थ पर आधारित गठबंधन है। नीतीश कुमार जी को शायद आज भी गलतफहमी होगी या जेडीयू के दूसरे नेताओं को, लेकिन सच यही है और बात तो धीरे धीरे अब सामने भी आ रही है। सच यही है कि आरजेडी के नेता लालू यादव जी ने सिर्फ और सिर्फ गठबंधन किया है अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और कुछ भी दूसरा इसका मतलब नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हैं। इसको लेकर 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की गई और अगली बैठक बेंगलुरु में 17 या 18 जुलाई को होने वाली है। बैठक से पहले ही जहां महाराष्ट्र में एनसीपी को बड़ा झटका लगा, तो वहीं अब महागठबंधन में चल रहे इस जुबानी जंग को देखते हुए ये कहना मुश्किल होगा कि बिहार की सियासत आगे आखिर क्या रंग लाने वाली है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार सभी विपक्षी पार्टियों से अपना समर्थन मांग रही है। वहीं पटना की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम नीतीश से मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात की थी। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि सभी की मांगों को एक साथ लेकर क्या विपक्ष 2024 में बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर पाती है या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।